अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयद आर्मला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे, शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे जनाब। और आज आप हमें हमेशा की तरह हम आपके साथ ढेर सारी बातें करने वाले हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को भी एड्रेस करेंगे और आज हम हाई हील्स पर भी बात करने वाले हैं। हाई हील्स पहनना अच्छी बात है, बुरी बात है, क्या स्टार्ट होते हैं, इन पर डिटेल डिस्कशन होगी। और इसके साथ साथ जनाब बच्चों के स्ट्रेस के हवाले पर भी हम सेकेंड आवर में डिस्कशन करने वाले हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ इंट्रो में रिसर्च शेयर करती हूँ और आपको बताऊँ कि आज सीनियर अदाकार कमाल ईरानी की बरसी का दिन है। टीवी और फिल्म के सीनियर अदाकार इनकी 29वीं बरसी है कमाल ईरानी की। और कमाल ईरानी का असल नाम जो है सैयद कमालुद्दीन था और कमाल ईरानी ने अपने फर्दी करियर का जो आगाज़ है सैयद फजल अहमद फजली की फिल्म चिराग जलता है रह से किया 1961 में। फिल्मों के अलावा उन्होंने थिएटर में भी काम किया, जबकि उन्हें मनफी किरदारों में बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता था। कमाल ईरानी की फिल्मों की बात की जाए तो उनमें नामवर फिल्मों में जिनके साथ उन्होंने काम किया उनमें मोहम्मद अली हैं, वहीद मुराद हैं, नदीम, सुधीर, जेबा, दीबा बेगम, शमीम आरा। और उसके साथ साथ जो है उनके अलावा टीवी पर भी वो अदाकारी के जौहर दिखाते रहे, ना सिर्फ फिल्म थिएटर और टीवी, ये तीनों उनके जो फॉरम्स रहे। अब फिल्म इंडस्ट्री की बहरान की वजह से वो कराची शिफ्ट हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी आयाम हैं वो भी कराची में ही गुजारे। और उनकी काबिले जिक्र अगर फिल्मों की बात की जाए तो उनमें खान बहादुर है, आईना है, बहारो फूल बरसाओ, मेहरान जमाली, सोनी महिवाल और इसके अलावा 100 से ज़ायद फिल्में जो हैं उनके क्रेडिट में हैं। 13 सितंबर 1989 को वो जहाने फानी से कूच कर जे कराची में वो वहाँ उनको दफनाया गया और वहीं पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम भी गुजारे। कमाल ईरानी की बात की जाए तो ना सिर्फ थिएटर में उनकी अदाकारी या फिल्म्स की बात की जाए, ड्रामास की बात की जाए, तीनों फॉरम्स पे उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और जिन लोगों के साथ काम किया वो भी अपने दौर के एक बहुत ज़बरदस्त फनकार थे। तो आज इनकी बरसी का दिन है तो हमने इनको याद किया है जागो लाहौर में। और इसके साथ जनाब इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएँ कि आज नामवर अदाकार लहरी की भी बरसी है। अदाकार लहरी की बात की जाए तो फिल्मी सनत के बुजुर्ग तरीन फनकारों में उनका शुमार होता था और उन्हें कॉमेडी अदाकार याकूब का जानशीन करा दिया जाता है। सफीरुल्ला अलमारूफ लहरी ने जो अपने फिल्मी करियर का आगाज़ है वो 50 की दहाई में किया, जो 30 साल तक जारी रहा। उन्होंने 300 से ज़ायद फिल्मों में काम भी किया, मजाहिया अदाकारी में भी मुनफरिद अंदाज अपनाए रखा। उन्हें दर्जनों अवार्ड तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी कॉमेडी और इस तरह से अपनी जो अदाकारी उसकी स्किल्स की वजह से समेटे ही, लेकिन जो उनकी आखिरी फिल्म थी धनक वो 1986 में रिलीज़ हुई और उन्हें याकूब के मखसूस और मुनफरिद असलूब का अमीन भी कहा जाता है। और 1955 में उन्होंने अपनी फिल्म जो है अनोखी बनाने का ऐलान किया, जिसमें हीरोइन का अदाकार निभाने के लिए उनकी भांजी जो है शीला रोमानी ने भारत से पाकिस्तान तशरीफ लाई और अपनी जो उन्होंने अपने अंकल की मूवी में काम भी किया। और इस मूवी की जो नुमाइश हुई वो 1956 में हुई और इसके बाद उन्होंने 300 से ज़ायद फिल्मों में, जिनमें से मैं कुछ के नाम आपके साथ शेयर करती चलती हूँ, उन्होंने इंसान बदलता है, रात के राही, फैसला, जोकर, आग और तुम मिले, प्यार मिला, बहादुर, नौकर, भारें फिर भी आएंगी, ये तमाम जो है इनकी मूवीज़ के नाम हैं। और सबसे पहले जब बात की जाए उनकी बीमारी के हवाले से तो 1985 में बैरून मुल्क फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें फॉलिज का अटैक हुआ और उसके बाद उनकी आईसाइट वीक होती चली गई और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिल्मी दुनिया से जो है किनारा कशी भी इख्तियार कर ली। मोइन अख्तर की बात की जाए तो उनका और इनका साथ इनके आखिरी आयाम में बहुत ज़्यादा रहा और उन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल भी की। तो जनाब आज अदाकार लहरी और इसके साथ साथ सीनियर अदाकार जो हैं कमाल ईरानी, दोनों की बरसी का दिन है। आज हम बात करने वाले थे हाई हील्स के ऊपर कि हाई हील्स आपके लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। और हाई हील्स का अक्सर लड़कियां जो हैं वो ख्वाहिश भी करती हैं जिनके कद लंबे भी होते हैं, जैसे मेरा कद लंबा है लेकिन मुझे फिर भी शौक है कि मैंने हाई हील्स पहनी है। इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन की मजबूरी भी होती है कि जनाब आपका जो है कद है वो छोटा है तो आपने हाई हील्स पहननी है। फैमिली में भी कहते हैं अच्छा हील पहन लिया करो, कोई बात नहीं, हाइट छोटी है तो, और अगर लंबे है तो हील पहन लो, तो फ़ौरन से कह देते हैं कितनी लंबी हो, हील की क्या ज़रूरत थी। लेकिन हील पहनने के और ना पहनने के नुकसान और फ़ायदे तो होंगे और इस पर आज हम डिस्कशन करने वाले, हमारे पास मौजूद होंगी न्यूरोसर्जन है डॉक्टर हिना, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर हिना, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो पर बुलाने का। और ये वाकई में एक अलमिया है, एक वाकई में अलमिया है कि जो है ना लोगों को हाई हील्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत हद तक बिल्कुल अगर लंबे तो अगर देखा जाए तहकीक के मुताबिक 72% लोग हैं जो कि किसी ना किसी मौके पे जो है ना वो हील्स लाजमन पहनते ही पहनते हैं। अच्छा, चाहे शादी के इवेंट हो जाए, 72% एक रिसर्च के मुताबिक 72% लोग हैं जो कि वाकई में
हाई हील्स वेयर करते हैं किसी ना किसी इवेंट पे, कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो, कुछ ना कुछ हो, दे ऑलवेज लव टू वेयर दैट. अच्छा तो डॉक्टर ना, हम जब पहनते हैं हील्स, इसके नुकसान भी होंगे और फ़ायदे भी होंगे. नुकसान हैं या फ़ायदे हैं ये आपने बताना है. अगर मेडिकली अपने नॉलेज के वाइज देखा जाए तो वाकई में फ़ायदे कम है. वैसे फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा हैं. उसके मुताबिक यही है कि आपका जो पोस्चर है ना, वो आपका मेंटेन करने में बहुत हाथ है इसका. मतलब अगर आपका शूज़ प्रॉपर नहीं है तो आप जो है ना, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. मतलब अगर आप अगर फ्लैट शूज़ वेयर करते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आप फ्लैट शूज़ वेयर करते हैं तो आपके जिस्म का वेट जो है ना, वो आपका ट्रांसमिट होता है आपके थ्रू ना. आपके वज़न सारा आपके पाँव के थ्रू होते हुए आपकी स्पाइन और हर चीज़ पर लोड डालते हैं. तो जब आप हाई हील्स पहनते हैं तो वो आपका सारा जो पोस्चर होता है, वो सारा तवाज़ुन जो है ना, वो ख़राब हो जाता है. जिसकी वजह से हेल्थ से रिलेटेड सारे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं. जॉइंट एक्स होना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम आर्थराइटस भी कहते हैं. आर्थराइटस होना शुरू हो जाता है, या और भी बहुत सारे मसले लाइक स्पाइन का बैक एक होना शुरू हो जाता है, और पिंडलियों का दर्द होना शुरू हो जाता है, और मतलब इस तरह डिफरेंट जोड़ जो है ना, वो दर्द करना शुरू कर देते हैं. ठीक. तो ये सारी चीज़ें हैं जो वाकई में एज पर फैशन इट्स लाइक वेरेबल, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट किया जाए तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस. अच्छा, मैं उस दिन एक न्यूज़ भी देख रही थी सोशल मीडिया पर. अमेरिका में एक न्यूयॉर्क सिटी में उनके कोई वॉक हुई जिसमें तमाम मर्द हजरात ने हील्स पहन कर वॉक की, और वो मर्द हजरात हील पहनने में कितने फनी लग रहे थे. डॉक्टर है ना, नुकसान आदमियों को भी उतने ही होंगे जितने खवातीन को. ऑब्वियसली इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं है कि अगर ये जेंडर पहने तो कोई नहीं नुकसान होगा. इट्स फॉर ऑल, सबके लिए, सबके लिए मसला है. हील चाहे कोई भी वेयर करे, कितनी इंच की भी हो. तो वो अच्छा, आपकी थोड़ी बहुत हील भी नहीं पहन सकते. या एक होते ना, अक्सर मैंने लड़कियों को देखा है 5-5 इंच की हील पहन के घूम रही होती हैं. नहीं, अगर आप थोड़ी नॉर्मल सी या बैलेंस सी वेज हील्स जो हैं, कुछ वो इस तरह की भी नहीं चल सकती. जो रिसर्चेस के मुताबिक है, उसके मुताबिक एटलीस्ट 2 इंचेस तक आप पहन सकते हैं. ये है कि उसमें इतना आपको नुकसान नहीं होता जितनी बाकी इंचेस की हील में होता है. एटलीस्ट 2 इंचेस की आप हील्स पहन सकते हैं, और ब्लॉक हील्स मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉक हील्स पहन सकते हैं. पॉइंटेड टोज वाली हील्स ना पहने. अच्छा, ठीक है, उनके ज्यादा है. अगर वो हील्स हैं तो उनमें लेदर इंसोल लगा. वैलेंटिनो के तो सारे पॉइंटेड हील्स आते हैं, अब हम क्या करें. अब जो अक्सर ब्रांड है वो पॉइंटेड हील्स निकालते हैं, अब हम उनका क्या करें. लेकिन हेल्थ, अगर आप हेल्थ चाहते हैं उसके साथ जो है ना. लेकिन डॉक्टर ना, अक्सर ऐसे शूज भी डिजाइन होते हैं, मतलब ये कंपनीज दावा करती हैं या ब्रांड्स दावा करती हैं कि ये आपकी जो बॉडी पॉस्चर है या पैर का जो पॉस्चर है इसको बैलेंस रखती है सारा कुछ. तो वो सिर्फ होता है लेकिन वो होता है कि उन्होंने स्पेशल एक लेदर इंसोल अंदर यूज किया होता है, जिसकी वजह से आप स्लिप नहीं होते हैं. आपका एक पोस्चर एक फिक्स फेज में ही स्टेबल रहता है, उससे आपकी जो है ना बॉडी का सारा पोस्चर मेंटेन रहता है और आपको इस तरह से कंप्लेंट्स नहीं होती हैं. अगर ये आप लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा ड्यूरेशन के लिए वेयर करेंगे तो आपको वाकई में बैक एक और सारे इशू हो सकते हैं. इसलिए बेहतर यही है कि आप कोशिश करें कि जितना मेन फंक्शन है यू जस्ट अटेंड दैट, और उसके बाद उतार दें. मतलब, और आप ये नहीं कि सिर्फ एक ही जूता पहने रखें, चेंज करते जाएं. सही. मतलब कि एक आपके पास मल्टीपल आप शूज के पेयर्स होने चाहिए, ताकि किसी टाइम पे आप कोई पहने, किसी टाइम पे एक शूज को बार बार वेयर ना करें, वो भी स्विच करें. अच्छा, जूता भी आपने एक नहीं पहनना, अगर आप हील के बगैर भी पहन रहे तो जूता भी स्विच करना चाहिए. अच्छा, इसका जैसे आप यू आर ए न्यूरो सर्जन, तो इसके डायरेक्टली इम्पैक्ट कुछ, क्योंकि हम कहते हैं कि पाँव में से भी अक्सर डेफिनेटली आपकी हर चीज़ आपके ब्रेन से अटैच होती है, तो अगर आप मसाज भी कराएं तो आपको मेंटली आप थोड़ा पीस फील करते हैं, तो डायरेक्टली कनेक्शन तो है. तो क्या वाकई बहुत स्वेयर इम्पैक्ट आता है या टाइम के साथ साथ लेट एज में इस तरह का इम्पैक्ट आता है. नहीं, ये तो हर 18 से 45 ईयर्स मोस्टली हमने देखा कि 18 to 45 ईयर्स एज में वुमेन मोस्टली वेयर हील. वो उस स्पैन में लाजमन वेयर करते हैं. ओल्ड एज में दस चेंज द शूज, बट पहनता हर कोई है, शादी हो या कुछ हो, टाइम बीइंग फंक्शंस में पहनते हैं. तो उससे ये है कि ये लॉन्ग टर्म सबको नुकसान होता है. टाइम बीइंग फर्दर टाइम ना, हम चाहेंगे एक बार आप नुकसान सर थोड़ी डिटेल में हमें बताएं, ताकि हमारे देखते वालों को भी पता लगे. हम सिर्फ हवा में ही ना कहना, वो कह के मजाक ही समझ रहे हो कि हम नहीं, थोड़ा डिटेल नुकसान हमें पता होना चाहिए कि आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है. इस तरह के एक्चुअली जो हमारा वजन है ना, वो हमारे पाँव से होके पिंडली की जो पट्ठे हैं उससे होकर
थाइस से होकर हिप से होकर आपके बैकबोन पे सारा वेट लोड डालते हैं, जो हमारा सारा बर्डन है ना, जो हमारे पेल्विक एरिया पेल्विक गर्डल कहते हैं, हिप बोन कहते हैं, उस पे सारा जाके पड़ते हैं फाइनली ऑन द स्पाइन। तो इन सब की वजह से जब आप हाई हील्स वेयर करते हैं तो आपकी बॉडी कुछ उसके लिए चेंजेस लेके आती है अपने अंदर, ठीक है, उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पाइन में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपके ज्वाइंट्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपका जो सारा पोस्चर होता है ना हाई हील वेयर करने से, सारा आपके जो टोज हैं उन पे वो प्रेशर आना शुरू हो जाता है, वो टोज पे सारा प्रेशर आने से आपका जो सारा नॉर्मल पोस्चर है ना वो चेंज हो जाता है। सही। आपका एक हाई हील पहनने से आपका चेस्ट फॉरवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है, और आपकी स्पाइन विद द टाइम एक्सेसिव यूज से वो आपकी स्पाइन जो है ना स्ट्रेटन अप होना शुरू हो जाती है, फाइनली वो आपकी नर्व्स को हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देती है और सारे फंक्शंस आपके जो है ना, इस वजह से बैक एक बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है और इस वजह से हील्स में पेन और फोर फुट में पेन बहुत ज़्यादा है और जॉइंट्स में भी विद टाइम जॉइंट्स में भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ना जो लेट एज में प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा अर्ली एज में पेन ही हो हील्स तब भी आता है लेट एज में, तो खैर इनके जॉइंट एक्स और बैक एक्स इनकी और कॉजेज भी हैं। सही। ये सिर्फ हाई हील्स नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत सारी हाँ। जिसकी वजह से एजिंग रिलेटेड है, लेकिन हमारी टीन्स में और इन एजेस में इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ पेन, सो ये एक वाकई में बहुत बड़ा अलमी है कि इस एज में है, तो हमें थोड़ी सी अपनी लिमिट्स को कट डाउन करना चाहिए फॉर आवर ओन गुड। सही। कि मतलब एटलीस्ट कोशिश करें 2 inches तक वेयर करें आप लोग जो है ना, और कोशिश करें कि अंदर सोल यूज़ करके, अंदर इन सोल यूज़ करके आप उसको कंफर्टेबल करें, वो आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, सिर्फ अच्छे जूते और उसको देख के ना हो। और अच्छा, कोशिश करें एक सॉरी मैं आपको डॉक्टर ना इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारा नॉर्मली लोग थोड़ा स्टाइल पे फोकस करते हैं, हम कंफर्ट जोन नहीं देखते कि कंफर्टेबल है या नहीं, हम देखते प्यारा लग रहा है जूता ले लो। ये वैसे औरतों में बहुत ज़्यादा होता है, हम ये लुक्स के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस प्रूफ होती हैं, अगर इफ़ यू वेयर इट टू लॉन्ग, ठीक है, लेकिन फिर भी आप यू कैन टेक स्टेप्स कि वो बेहतर हो जाए आपका, फिर भी आप करें, आप कोशिश करें कि पहनने से पहले और पहनने से बाद वर्जिश करें, इन पट्ठों के जो है ना मसाज करें, ताकि जो है ना वो सारा जो सारी टेंशन क्रिएट अप हुई है वो सारी रिलीज हो जाए, ताकि जो है ना लॉन्ग टर्म आपको उस तरह का डैमेज ना हो। फंक्शन में वेयर किया एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप उतार दें एंड देन फिर उसको मसाज करें, ताकि वो जो है ना सारी जो है वो आपका एक नॉर्मल सेटअप है वो ख़राब ना हो। सही। ठीक है, फैशन करें पर एहतियात के साथ, एहतियात के साथ करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हिना, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जनाब। आज का मैसेज यही था कि हाई हील्स पहनने से हम आपको बिल्कुल मना नहीं करें, मैं खुद भी पहन कर बैठती हूँ, मैं इस बात की बिल्कुल तलकीन नहीं कर सकती, लेकिन अपने बच्चों को इवन आप लोग खुद भी अवॉइड करें मैक्सिमम हद तक कि अगर आपको फंक्शन है तो 2-3 घंटे के लिए पहना और उसको उतार दिया, कम्फर्टेबल जूता लें, अगर हील्स में भी लेने हैं तो कम्फर्टेबल लें, और जैसे डॉक्टर हिना ने कहा कि आपने पॉइंटेड हील्स जो है वो अवॉइड करनी है, आई नो कि बहुत सारे ब्रांड्स पॉइंटेड हील्स ही लॉन्च करते हैं, तो आपने उसको भी थोड़ा ख्याल से खरीदना है, क्योंकि अगर आप अच्छे जूते पहनेंगे वो भी सही है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल पहनेंगे तो आप और अच्छे नजर आएंगे। तो जनाब ये था आज का मैसेज, और हमने हाई हील्स को बिल्कुल डिस्करेज नहीं किया, आप जरूर पहने खूबसूरत नजर आए लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।